सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे एक सफ़ेद कीड़े के बारे में। काफ़ी किसान भाई इसे जानते नहीं है कि ये क्या होता है और इसकी क्या डिटेल है, ये कैसे काम करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसका हमारी फसल पे कितना प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे मिली बग के बारे में। मिली बग को काफ़ी किसान भाई जो है सफ़ेद कीड़ा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये राख वाला कीड़ा है, मतलब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही भाषा चलती है कि राख का कीड़ा है। राख का कीड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर की जो परत होती है उस पर एकदम राख जैसा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर लगा हुआ होता है और वो कीड़ा जो होता है वो पौधे के तने पे बैठा रहता है। इसका जो शरीर का सफ़ेद पाउडर होता है ये हल्का चिपचिपा होता है, आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपके तुरंत हाथ में लग जाता है और ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है हमारी फसल को। नुकसान की बात की जाए तो नुकसान में ये क्या करता है कि पौधे के ऊपर बैठा रहता है और धीरे धीरे करके उसका रस चूसता रहता है। रस चूसने से क्या होता है कि जब हमारे ये अधिकतर उसी टाइम लगता है जब दिसंबर का महीना होता है उससे लेकर अगस्त तक, इस बीच में क्या होता है कि हमारी फूल फली की स्टेज होती है सभी फसलों में, तो उसका जो रस चूसने से क्या होता है कि उसके फूल भी कम आते हैं। फूल कम आने के बाद अगर फल वाली स्टेज पर लगता है तो जो फल का साइज है वो भी कम होता है, क्योंकि जो पौधे का मेन रस होता है इसे ये धीरे धीरे करके चूसते रहता है। और ख़ास बात यह है कि इसकी तादाद की जो वृद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होती है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो एक मादा होती है वो एक ब्यांत में करीब 300 से लेकर 600 अंडे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है ये कितने दिन तक रहता है, तो इसमें लिखा रहता है कि डेढ़ मंथ तक इसका जीवन चक्र चलता है और ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और एक ही पौधे पर अगर आपके पास 8 से 10 हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके पौधे को समय से पहले सुखा देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं, तो इस तरीके से ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसके अधिकता उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर लोग ज़्यादातर फर्टिलाइज़र यूरिया यूज़ करते हैं, जो अपने नॉर्मल इनऑर्गेनिक यूरिया जो होता है मार्केट में मिलता है 46% वाला, अगर वो आप ज़्यादा स्प्रे करते हैं आपके खेत में या फिर ज़्यादा डालते हैं तब इसका प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये यूरिया से काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इसके प्रजनन और ब्यांत काल जो है वो कम होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो आपको खेत में सबसे पहले तो यही चीज़ देखना है कि आपकी नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे कम। अब बात आती है कि इसे कंट्रोल कैसे करें, तो काफ़ी किसान भाई जो हैं वो इस बात को चिंता में रखते हैं कि कैसे कंट्रोल होगा, जबकि ये बहुत नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है। एक ऐसी दवाई है जिससे कि ये बहुत नॉर्मली कंट्रोल हो जाएगा और वो मार्केट में काफ़ी सस्ती मिलती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो उतना इफेक्टिव है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है बुप्रोफेजिन, जो कि 25% SC फॉर्मुलेशन में आता है। अगर इसका डोज देखा जाए तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होगा। यह सबसे अच्छा कंट्रोल करता है मिलीबग को। दूसरा आप डाल सकते हैं थायमेथेक्सॉम, जो कि 25% WDG फॉर्मुलेशन में आता है। इसकी जो मात्रा है वो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ रखनी होगी। और अगर ये दो केमिकल आप नहीं यूज़ करते हैं तो जो आपका नॉर्मल केमिकल है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें आता है डायमेथेट और उसी के साथ प्रोफेनोफॉस, इन दोनों की मात्रा लेनी है आपको 50-50%। और अगर कभी सिंगल सिंगल मात्रा की यूज़ की जाए तो इनको दोनों को आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। इसका मतलब ये कि अगर आप डायमेथेट डालते हैं तो इसको 250 ml प्रति एकड़ डालना होगा। अगर आप प्रोफेनोफॉस जो कि 50% वाली आती है उसका यूज़ भी करते हैं तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होगा। इससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी हो जाते हैं। और अगर कभी आपने अच्छे तरीके से स्प्रे किए हैं तो सभी जगह कंट्रोल हो जाता है। और अगर कभी इसकी एक दो भी रस चूसक कीट बच जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए जब भी आप स्प्रे करें तो ध्यान रखें कि थोड़ा धीरे करें और इसका काफ़ी अच्छे तरीके से निपटारा करें। ये क्या होता है कि जितने भी नरम तने की फसल होती है उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, खासकर टमाटर पर और हमारी मिर्ची के ऊपर, और आजकल सोयाबीन पर भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान रख के दवाई का स्प्रे करें। और साथ ही ये ना सोचें कि ये हमारा मित्र कीट है। काफ़ी किसान भाई ने मुझे कहा है कि ये मिलीबग जो होता है मित्र कीट होता है, इसके लगने से हमारे यहाँ पे इल्लियाँ नहीं लगती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा शत्रु कीट है, ये हमारे को नुकसान पहुँचाता है। तो यही सब कुछ है मिलीबग के बारे में। अगर आपको इसकी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।